नमस्कार, डायटॉक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके पेट में गैस बनती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, सीने में जलन रहती है, या खाने के बाद खट्टी डकारे आती है? तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेट की एक बहुत ही कॉमन बीमारी गैस्ट्राइटिस, जिसे सामान्य भाषा में एसिडिटी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और गैस्ट्राइटिस के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं उदयपुर के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव शर्मा, जो कि हमें बताएंगे एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, किन जाँचों से इस बीमारी का पता लगाया जाता है और कैसे इस बीमारी का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर राजीव शर्मा सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में उदयपुर में कार्यरत हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। पेट की सबसे अंदरूनी लेयर पर कई कारणों से सूजन आ जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस दो तरह की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। अचानक आई सूजन को एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, और अगर गैस्ट्राइटिस का इलाज लंबे समय तक ना हो पाया तो उसे हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस चार प्रकार की होती है। पहली पैनगैस्ट्राइटिस, जो प्रमुख रूप से संपूर्ण पेट को प्रभावित करती है। दूसरी एंट्रल गैस्ट्राइटिस, इसमें पेट के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। और थर्ड इरोसिव गैस्ट्राइटिस, इसमें पेट के एसिड के लंबे समय तक के संपर्क में रहने से पेट की सबसे जो अंदर की लेयर है उसको नुकसान होता है। और हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस, इसमें पेट की इनर लेयर को नुकसान के साथ साथ खून भी आ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी किन कारणों से हो सकती है। एसिडिटी के कारणों में सबसे पहले जीवन शैली, यानी आपकी जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स और खराब खान पान यानी डाइटरी हैबिट्स से रिलेटेड कारणों पर हम बात करेंगे, क्योंकि इन कारणों को सही करना मरीज के स्वयं के अपने हाथ में होता है। बैड डाइटरी हैबिट्स, जैसे ब्रेकफास्ट नहीं करना, लंबे समय तक भूखे रहना, चाय या कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक्स जूस अत्यधिक लेना, फ्राइड फूड या तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, इसके कारणों से गैस्ट्राइटिस हो सकती है। लाइफस्टाइल हैबिट में धूम्रपान और शराब का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। स्ट्रेस यानी तनाव भी एसिडिटी का कारण है। जबकि व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाता। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया भी आमतौर पर हमारे पेट में सूजन का कारण होता है, और अक्सर दूषित भोजन और पानी में यह पाया जाता है। इसका इन्फेक्शन पेट में अल्सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है। एनएसएड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे एस्पिरिन, पैरासिटामोल, डाइक्लोफिनेक आदि से भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। यह दवाई आमतौर पर लोग दर्द और सूजन कम करने के लिए उपयोग में लेते हैं, पर इसके नियमित उपयोग करने से मरीज के पेट में घाव बढ़ने की अत्यधिक संभावना बढ़ जाती है। इस दवा का सेवन चिकित्सक के बिना सलाह के कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि बैक्टीरियल, फंगल एवं वायरल इन्फेक्शन, सर्जरी या ऑपरेशन, बर्न सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या बाइल रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस। बाइल रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस में बाइल यानी कि पित्त, पित्त की थैली अर्थात गॉल ब्लैडर से निकलकर भोजन की थैली में चला जाता है और वहां सूजन पैदा कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं। गैस्ट्राइटिस का सबसे प्रमुख लक्षण है कि पेट के ऊपरी हिस्से यानी अपर एब्डोमेन में दर्द, बेचैनी या जलन का होना। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस के अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे कि उल्टी आना, उल्टी जैसा लगना जिसे हम नौजिया कहते हैं, वजन कम होना, भूख कम लगना, थोड़ा सा ही खाने पर पेट भरा भरा सा लगना और डकारे आना।
अगर इरोजिव गैस्ट्राइटिस है तो पेट की जो इनर लेयर होती है उससे खून बहने लगता है और इसके कारण मरीज को कभी कभी खून की उल्टी या फिर काले रंग का मल भी पास हो सकता है, जिसे हम मलीना बोलते हैं। मरीज को खून की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है और अनीमिया के साथ मरीज को अत्यधिक थकावट, सांस लेने में तकलीफ या धड़कन तेज होना, जिससे पैल्पिटेशंस होते हैं, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट्री उपचार के बारे में। इसमें मरीज को एसिड बनाने वाले या पेट की जो सूजन बढ़ाने वाले फूड आइटम्स, उनका उपयोग कम करना चाहिए या फिर बंद ही कर देना चाहिए, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड आइटम्स, फ्राइड फूड, ब्रेड, पास्ता, अचार इत्यादि। इसके अलावा मरीज को साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, नींबू, फ्रूट जूस, खट्टी छाछ या खट्टा दही तुरंत बंद कर देना चाहिए। कई मरीजों में दूध या दूध से बने पदार्थ भी पेट में सूजन बढ़ाते हैं। इनका सेवन ना करने से मरीज को तुरंत लाभ हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऐसे खाने के बारे में जिससे कि गैस्ट्राइटिस में राहत मिलती है। मरीज को फाइबर खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाना चाहिए, जैसे कि सलाद, हरे पत्ते वाली सब्जियां, साबुत अनाज इत्यादि। इसके अलावा मरीज को लिमिटेड मात्रा में ग्रीन टी, मुलेठी, लहसुन, अदरक, हल्दी, नारियल पानी, ब्रोकोली का सेवन भी करना चाहिए। मरीज को रोज सुबह उठकर ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट रहने से भी गैस्ट्राइटिस के लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा देर रात तक खाना खाने की जो आदत है मरीज को बंद कर देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सोने के 3 घंटे पहले ही भोजन कर लिया जाए। इसके अलावा मरीज को 3 पूरी मील्स के बदले 6 छोटी छोटी मील्स लेनी चाहिए, जिससे कि मरीज का पेट एक समय पर काफ़ी हद तक नहीं भरेगा और मरीज का पेट कभी पूरा खाली भी नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल से जुड़े उपाय के बारे में। इसमें मरीज को 3 से 4 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसके कारण पेट की जो मोटिलिटी है वो अच्छी रहती है। मरीज को अपनी लाइफ में स्ट्रेस या तनाव काफ़ी हद तक कम करना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान, शराब का सेवन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन भी बंद कर देना चाहिए। मरीज को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद अवश्य लेनी चाहिए और दर्द की दवाइयाँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि गैस्ट्राइटिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है। जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो 90% मरीज के क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से ही गैस्ट्राइटिस का डायग्नोसिस हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे कि शरीर में खून की मात्रा या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसका पता चलता है। ब्रेड टेस्ट या सलाइवा टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा मल की जांच भी कराई जाती है और मल में यदि खून दिखाई देता है तो लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराया जा सकता है। गैस्ट्राइटिस को डायग्नोस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है अपर GI एंडोस्कोपी, जिसे आमतौर पर पेट की दूरबीन से जाँच भी कहा जाता है। इसकी मदद से डॉक्टर मरीज के पेट में दूरबीन डाल के गैस्ट्राइटिस की गंभीरता को जांचते हैं और साथ ही उसमें यदि कोई इरोजन या छाले तो नहीं है यह भी भाप लेते हैं। फिर यहां से एक टुकड़ा जांच अर्थात बायोप्सी के लिए जाता है और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी एच पाइलोरी के विशिष्ट टेस्ट, जैसे रैपिड यूरिया टेस्ट भी कहते हैं, वहां से ले लिया जाता है। इसके अलावा पेट की जो अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी और एक्सरे भी आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि गैस्ट्राइटिस के इलाज के बारे में। 50% से अधिक मरीजों को इलाज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मरीज के केवल खान पान और जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल से बदलाव से ही उसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। यदि मरीज को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन, जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन या मेट्रोनिडाजोल दवाओं का सुझाव दिया जा सकता है। यह दवाएं आमतौर पर 10 से 14 दिन तक लेनी चाहिए।
परंतु ध्यान रहे, दवाइयाँ आपको बिना आपके डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेनी है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस के उपचार के लिए ऐसी दवाई देते हैं जो एसिड को ब्लॉक करने का काम करती है, जैसे कि प्रोटोन पंप इनिबिटर्स PPI। यह दवाएं ओवर द काउंटर या डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल इत्यादि। प्रोटोन पंप अवरोधकों का लंबे समय तक उपयोग करने से कलाई और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए यह दवाई अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, ताकि डॉक्टर इन दवाओं के साथ साथ कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी आपको दे सके। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस में एसिड या उत्पादन कम करने के लिए दवाई भी दी जाती हैं, जिसे एसिड ब्लॉकर्स भी कहा जाता है, जैसे कि हिस्टामिन यानी S2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये आपके पाचन तंत्र में एसिड की मात्रा को काफ़ी हद तक कम करता है और गैस्ट्राइटिस के दर्द से राहत दिलाता है। यह दवाई भी ओवर द काउंटर या डॉक्टर की सलाह से आपको प्रिस्क्राइब करने पर आसानी से मिल सकती हैं, जैसे कि रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन और निजेटिडीन इत्यादि। इसके अलावा ऐसी दवाई भी दी जाती हैं जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। इसके लिए डॉक्टर आपको एंटासिड देते हैं और ये एंटासिड पेट के एसिड को बेअसर करता है और तेज़ी से दर्द में राहत प्रदान कर सकता है। यह दवाई तत्काल ही लक्षण में राहत देती हैं, लेकिन आमतौर पर प्रथम उपचार के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर राजीव शर्मा, पेट आंत एवं लिवर रोग विशेषज्ञ उदयपुर में कार्यरत हूँ, और पेट आंत लिवर और पैनक्रिया से संबंधित बीमारियों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे उदयपुर के प्रसिद्ध पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा सर, जिन्होंने हमें गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.daita.com को विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल दाइडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।